हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वादा करो, अल्लाह मी से मांगो कि बुबू ये देखो मुनीरा बीबी। हाँ बीबी, बहुत प्यारी है। मुनीरा 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 डॉक्टर मुनीरा कैसे ये करते हैं जिंदगी से लड़ते बच्ची के साथ कौन है? मैं हूँ। बोले क्या काम? वो एक्चुअली पेशेंट एक्सपायर हो गए हैं और उनके हस्बैंड को स्ट्रोक हुआ है, तो हम उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। काइंडली उनके घर वालों को इत्तला कर दें। अब नर्स, अरे सुने तो, वो तुम्हारी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई है। अल्लाह मियाँ के पास? मैं आपके हॉस्पिटल पर आप पर केस करूंगा। आपकी नहेली की वजह से मेरी भाभी की डेथ हुई है। सर वो पहले ही हाई रिस्क पेशेंट थी और आप बक... बुबू तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है। मम्मी? नो, उनकी ना तबीयत खराब है। बाबा जी उनके पास गए। यस, वो आ रही, थोड़ी देर में आ रही। हमें घर भी जाना है। यस 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 यस, डोंट क्राई डोंट क्राई, छोड़ूंगा नहीं, संभाल के रखूंगा।
बुबू तुम्हारी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई है। अल्लाह मियाँ के पास? हाँ अल्लाह मियाँ के पास। तो हमें घर जाना था, मैंने इतनी सारी पैकिंग की है और इतनी सारी चीजें ली थी, और बाबा जी उनको लेने गए ना, वो नहीं जाएंगे। आपको पता है बाबा जी उनको हर बार ले आते। टेंशन नहीं लो पैरी, टेंशन नहीं लो, वो आ रहे हैं, आ रहे। डोंट टच, डोंट टच। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इंटेलिजेंट फेरी नहीं हो। तुमने फेरी तुमने दे दी बीबी, अब तुम जाओ। ओके यस, मैं संभाल लेती हूं। डोंट टच, अब जाओ, डोंट टच, गो। अपने अपने बीबी दे दी। ओके आई एम गोइंग। ओके नो नो, डोंट टच। बुबू रो रही है। नो डोंट टच, मैं संभाल के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं बीबी, छोड़ूंगा नहीं। ओके छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। यस ओके आई एम गोइंग, डोंट टच। बुबू रो रही है। नो शट अप। फेरी, आपकी अम्मी। ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। मैं आपके हॉस्पिटल पर आप पर केस करूंगा। आपकी नाहेली की वजह से मेरी भाभी की डेथ हुई है। सर वो पहले ही हाई रिस्क पेशेंट थी। और आप बकवास मत कीजिए। हाई रिस्क पेशेंट थी, मैं जानता हूं। आपने पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन किया जिस ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, और उस ऑपरेशन की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से She died. Sir, उनके हस्बैंड ने खुद डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए थे, और आप यहाँ इस तरह शोर नहीं कर सकते। ये एक अस्पताल है। ये अस्पताल है? ये तो जंगली जानवरों की जगह है, और आप जंगली जानवरों की तरह लोगों को मार रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे। और किस कागज पर, कहाँ दस्तखत लिए थे आपने? उसके मौत के कागज पर, डेथ के कागज पर? देखिए अगर आपको कोई मसला है तो ये जगह इस गुफ्तगू के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अस्पताल के पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं, और आप हम पर इस तरह इल्जाम नहीं दे सकते। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। कौन कहता मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने मारा है उसको, और मेरा छोटा भाई यहाँ पर मौत और जिंदगी की कश्मकश में इसी कंपैक्ट हॉस्पिटल में पड़ा है। आप बराए मेहरबानी इंतजामिया से बात कीजिए। टापू 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 टापू, बीबी बीबी। ये बेबी तुम्हें किसने दिया बेटा? इसको छोड़ दो, इसको। नो नो नो, आपको नहीं दूंगा, आपको नहीं दूंगा। वो बाबा जी ने बोला था इसका ख्याल रखना। ओहो तो इधर आओ, इधर मेरे पास बैठ जाओ बेटा। आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आओ बेटा। लेकिन आपको पता है बाबा ने कहा था कि उसका ख्याल रखना, संभालना, होना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन इसको बेटा गिरने में देना है। यस यस यस। अच्छा ताबू, बाबा जी कहाँ चले गए? वो ना बाबा जी के पास गए थे, और वो अभी तक वापस नहीं आए। बेटे उनकी, तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब हो गई थी, वो अंदर हैं, डॉक्टर उनको देख रहे हैं।
आपको कुछ नहीं पता, वो ना मामा जी की तबीयत खराब है। बाबा जी की तबीयत खराब नहीं है ये? अच्छा साबू, आप हमें उनके पास ले जाएं प्लीज। मेरी बात सुन मेरे बच्चे, तू अभी अंदर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? हम जाएंगे, बुबू जाएगा और बहन भी साथ जाएगी। पिंक पैंथर आप भी साथ जाना। कहाँ चले गए आप भी साथ जाओ। देखो बेटा, तुम इधर बैठो, मैं भी अभी थोड़ी देर में जाकर पता कर लेता हूँ। नो नो, प्लीज प्लीज साबू, हम लोग बहुत देर से वहाँ पे बैठे हुए, हमें प्लीज जाना है। ओके, हमें जाना होगा, हमें जाना है, हम जा रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बुबू अंदर जाएगा और बहन भी जाएगी और पिंक पैंथर, हम लोग सब जाएंगे। यस बेटा, इसको एक दफा अंदर जाने दो, ये अपने बाप को देखकर बाहर आ जाएगा। सर ये अस्पताल का रूल है, हम अंदर नहीं जाने दे सकते। ओ यार रूल ये क्या, बच्चे को देख रहे हो, रूल इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सर अपने बाप को देखेगा, बाहर आ जाएगा, हम इसके सवाल के क्या जवाब दें? हम पे कयामत टूट पड़ी है भाई। ठीक है ठीक है, अभी आपके पेशेंट के साथ अंदर कोई मौजूद है? मेरी मिसेज है वहाँ पे। ठीक है, मैं इजाजत लेकर आता हूँ। हाँ। लेकिन आपके अटेंडेंट को बाहर आना पड़ेगा। ठीक है यार, तुम जो भी करना है, कोई रूल रेगुलेशन चेंज करो अपना। लेकिन ये छोटी बच्ची को हम अंदर जाने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है भाई, अंदर पता तो करके आओ ना। खैर जब बुबू, इसको पता करने दो। मैं एक मिनट, इसको पता करने। अंकल ये साथ जाएगी। ओके इसको इधर बैठो। बाबा ने बोले थे इसको संभाल के रखो। मैं ठीक है, इसको नहीं छोड़ेंगे। बाबा नहीं, बाबा बाबा मामा जी भी अभी हम लोग घर जाएंगे। ओके वो भी ये है ना, वो पूछ कर आएगा बताएगा। हैं आप जानते हैं ना कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, जितने साल का ये दिखाई दे रहा है इतनी इसकी ज़हनी उम्र नहीं है, आप इसे कैसे आईसीयू में अकेला जाने दे सकते हैं? मैडम मैं इसके साथ अंदर होऊंगा, आप बस कुछ देर के लिए बाहर खड़ी हो जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बात की इजाजत ली है, सिर्फ और सिर्फ इसकी हालत देखकर। तो इनकी हालत देखते हुए आप मुझे भी अंदर जाने दे? मेरी मजबूरी है मैडम, ये अगर अंदर जाएगा तो आपको बाहर रुकना पड़ेगा, और ये बच्ची भी आपके पास रहेगी। मैं बुबू के साथ अंदर होऊंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे शौहर अकाउंट्स में गए, वो आते हैं तो मैं उनसे पूछ के बताती हूँ आपको। आपके पास इतना टाइम नहीं है मैडम, इसे फौरन से अंदर ले जाके जल्दी से बाहर लाना होगा। बुबू मेरी बात सुनो, अभी ना आपको अंकल अंदर लेकर जाएंगे, फिर आप अंदर जाके परेशान नहीं करना और शोर भी नहीं मचाना। ओके ओके। अच्छा अंदर मामा जी भी है ना? नहीं अंदर मामा नहीं है, अंदर सिर्फ बाबा है। आप बाबा से मिल लो, फिर मामा से बाद में मिलेंगे। ओके पहले। हाँ जी ओके, आप ये बच्ची मुझे दे दो, अंकल उसे अंदर नहीं लेके जाने देंगे। हम लोग साथ अंदर जाएंगे। नो नो नो, हम लोग साथ जाएंगे, हम दोनों को बाबा जी के पास जाएं। नो 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 नो, देखो बुबू जिद नहीं करते, अंकल की बात मानते हैं ना, अंकल नाराज हो जाएंगे। नो नो, बुबू किसी की बात नहीं मानेगा। ओके मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, हम लोग साथ जा रहे हैं। नो बुबू आप बेबी को मुझे दे दो, बेबी मामा से मिलने जाएंगी, बुबू बाबा से मिलने जाएंगे। ओके अलग 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 अलग, आपको जाना है मामा के पास। यस ओके। अच्छा आप ना मामा के पास जाओ और बुबू बाबा जी के पास जा रहे हैं। ओके यस ठीक, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं। ओके चलें, हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखिए बाजार तो बच्चे में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही, बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है। बेहतर होता कि आप सुबह किसी बड़े डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि मेरे तजुर्बे के हिसाब से बच्ची बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए डॉक्टर तो आप भी हैं ना, आपको कितने परसेंट यकीन है कि ये बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है? मैंने कहा तो है मेरे हिसाब से बच्ची बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे जिस एबनॉर्मलिटी की आप बात कर रही हैं ना, वो अभी सामने नहीं आएगी, वो पैदाइश के कम से कम 18 माह बाद सामने आती है। 18 माह बाद? तब तक कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि बच्ची में जिस्मानी नुक्स कोई सामने नहीं आया, और अगर आप मालूम करना चाहती है कि एबनॉर्मल है तो कम से कम इसके लिए जहन का पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है, और ये 18 माह बाद ही पता चलेगा। तो आपके कहने का मतलब ये कि अभी बिल्कुल नॉर्मल है? जी आप ऐसे कीजिए, इसकी फिटिंग वगैरह का करवा दें इसके मामा को बुला के, और आप चाहते में यहीं से पिक कर लीजिएगा बच्ची को। जी कितने लोगों के बारे में सोचना पड़ रहा है हमें, एक तरफ बच्ची की परेशानी, एक तरफ बूबू की परेशानी, और ऊपर से मजीद कयामत। काउंटिंग ओके, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10।
भाई कैसे हौसला करो, मुझसे छोटा था वो, बगैर पूछे बगैर कुछ कहे इस तरह अचानक चला गया। गए थे अबा जी, चले ना घर चले प्लीज, आपको पता है मैं बाहर अकेला बैठा हूँ, ओके, और आप भी नहीं हो और मामा जी भी नहीं। तो बाबा जी वो आपको पता है मामा जी ने अभी तक बीबी जी को नहीं देखा है। नो, आप उनको बुला लें, हम लोग घर जाते हैं, इतनी सारी हम लोगों ने पैकिंग भी तो की ना हम लोगों ने, वो सब बीबी जी को दिखाना भी है ना। मैंने डॉक्टर को दिखाया है उसे, वो तो कह रही है कि बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमें किसी बड़े डॉक्टर से ओपिनियन ले लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं, हम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएं या फिर वेट करें और इसी की बात का यकीन कर लें? अभी बहुत सारी दूसरी अहम चीज़ें हैं, तुम ये क्या बात ले बैठी हो? एक तरफ जनाजा है, दूसरी तरफ हैदर हैं। लेकिन हमें कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा ना। फैसला तो करेंगे, पहले हैदर को देख लेना, फिर देखेंगे कि अगर बच्ची में कोई मसला नहीं है वो देखेंगे, लेकिन अभी हैदर की तबीयत जरा देखनी है। कितने लोगों के बारे में सोचना पड़ रहा है हमें, एक तरफ बच्ची की परेशानी, एक तरफ बूबू की परेशानी, और ऊपर से मजीद कयामत। तुम फिक्र नहीं करो, बाकी सब चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम सिर्फ बूबू और बेबी को उनका ख्याल रखो। मैं नीचे काउंसिल डिपार्टमेंट से हुआ, वो बार बार बिल का इसरार कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल वाले भी चिल्ला दें। बाबा जी आप मुझसे नाराज हैं क्या? चलिए प्लीज, मुझसे नाराज हैं प्लीज, तो बात नहीं कर रहे। पापा को आराम की जरूरत है, आप चलिए प्लीज। बाबा जी सॉरी, प्लीज प्लीज तंग नहीं करूंगा आपसे। बाबा जी बात नहीं कर रहे मुझसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो देखो वो रही तुम्हारी बहन। वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। लेकिन मामा के पास, अभी हम मामा के पास नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे मामा के पास, अभी परमिशन नहीं है ना भाई। क्यों, आप भी तो गई थी ना मामा के पास, मुझे भी ना। मैं जा सकती हूँ, तुम नहीं जा सकते, सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? अच्छा, ओके, ओके। अच्छा एक काम कर ले, आप अब बीबी जी को बाहर ले, हम लोग बाबा जी के पास जाए। मैंने प्रॉमिस किया था ना उनसे, तो मैं ले। मेरी बात सुनो, डॉक्टर ने मना किया था, अब अगर हम बार बार डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो बीबी सॉरी तो बीबी को मैं कैसे लेकर जाऊंगा उनके पास? हम एक काम करते हैं, हम पहले बाबा के पास जाएंगे और फिर डॉक्टर से परमिशन लेंगे, फिर बीबी भी आ जाएगी हमारे साथ। आप जाओ क्या खड़े, मैं देखूंगा बीबी को। प्लीज 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 ओके, यहाँ से कहीं नहीं जाना। यस, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, अभी अब जाओ जाओ ना प्लीज। थैंक यू। हेलो बीबी, हेलो बीबी, आप सो रही हो क्या? आप कहाँ हो? बाहर बैठे थे ना। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? नो, वो अंकल थे ना, वो काम से गए थे, मैं चुप के अंदर आ गई। खामोश, वरना वो आके तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन मैं बात तो करूँ बाबा जी से। चुप, बाबा सो रहे हैं, बात नहीं हो सकती। अब तंग नहीं करो, आप रोको नहीं, मैं बात करूंगा। अच्छा सुनो, जब वो जागेंगे ना
तब बात हो जाएगी, ठीक है? ओके, यस यस यस, जागेंगे तब बात करेंगे, ओके। जी जी, मैं आ रही हूँ, जी जी जी, एक मिनट, मैं आ रही हूँ। बुबू, मेरी बात सुनो। यस। बुबू, ठीक है, फिर बात होगी, फिर करेंगे। हाँ, बात करेंगे। हाँ। ओके, आप जाओ जाओ जाओ, मैं जा रही हूँ। ओके ओके, गो 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 गो, सुनिए, मैं जाऊँगा। काउंटिंग, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अब बात करें, बात करें। बाबा जी, अब बात क्यों नहीं कर रहे? 30 भी हो गए, अब बात करें। हम लोग घर भी तो जा रहे हैं ना, हमें घर जाना है। अब मुझसे अभी भी नाराज हैं ये लोग, मुझे आपके पास भी नहीं आने देते और बीबी के पास भी नहीं जाने देते और मम्मा जी के पास भी नहीं जाने देते। हम लोग घर चले प्लीज, अब मुझसे नाराज तो नहीं है ना? हाँ, नो 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 नो, नाराज नहीं, इतना सोचते हैं आप, घर चले प्लीज प्लीज। मैं तंग नहीं करूँगा आपको, आई एम सॉरी, ओके, आई एम सॉरी, मैं तंग नहीं करूँगा, घर चले प्लीज। नो, मैं बहुत छोटा, प्लीज मुझसे नहीं संभल रही बीबी, प्लीज आप लोग, नो 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 नो, प्लीज प्लीज। बहुत हिम्मत वाला, बहुत हौसले वाला था मेरा भाई। उन हॉस्पिटल वालों ने उसका हौसला तोड़ दिया, जान से मार दिया कमबख्तों ने। हौसला करें वहीद भाई, एक दिन तो सभी ने जाना है। कैसे हौसला करूं भाई, कैसे हौसला करूं मैं, कैसे हौसला करूं? मुझसे छोटा था वो, बगैर पूछे बगैर कुछ कहे इस तरह अचानक चला गया। हैदर भाई का बेटा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? उस पर तो दोरी की अमर टूट पड़ी है, पता नहीं ये बच्चा कैसे सह पाएगा, और उसके दोनों प्यारे भी चले गए। मैं संभालूंगा उसको, मेरा बेटा है वो, मैं बिल्कुल उसको उसी तरह संभालूंगा जैसे मेरा भाई उसको संभाल रहा है, बिल्कुल वैसे। भाई साहब, आपको खुद को संभालना होगा, आपको अगर बुबू को संभालना है तो बहुत हिम्मत और हौसले से काम देता हूँ, संभालिए आप अपने आप। इतना जुल्म ना देखा, कहीं ना देखा इतना जुल्म। अब मैं इस बच्ची की माँ हूं, मैं हूं इस बच्ची की माँ। ऊपर वाले ने ये जिम्मेदारी मुझे दी, उस माँ से ये जिम्मेदारी लेकर मुझे दी है, मैं हूं माँ इसकी। मैं पूछती थी अपने ऊपर वाले से, अपने खुदा से मैं पूछती थी कि मुझे औलाद क्यों ना दी, क्यों ना दी मुझे कभी औलाद। हाय, मुझे अब जवाब मिला, और ऐसे मिला मुझे जवाब
क्यों सुपर वाले ने इसकी माँ से ये जिम्मेदारी लेकर मुझे देनी थी? मुझे इस बच्ची को ऐसे पालना है कि जब वो बड़ी हो मुझसे सवाल करे तो मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े उसके सामने। आपकी जो मोहब्बत है इन बच्चों के लिए, उससे लगता है आप ये जिम्मेदारी संभाल लेंगी। दुख तो मुझे इस बात का है कि भाईजान और भाभी को जिस खुशी का कब से इंतजार था वो उसको देखे बगैर ही चले गए, उसको देखे बगैर ही चले गए। नाज़नीन, अब वक्त हो गया है। नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकते, अभी इतनी जल्दी ना करो, अभी इतनी जल्दी नहीं आए। अरे देखे, इतनी जल्दी नहीं, सबर करें भाभी। पानी बुबू, बुबू ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बीबी को मुझे दे दो, ये देखो चोट लग जाएगी, संभाल संभाल। ये क्यों कर रहे हो पैक, ये क्या कर रहे हो बेटा? जल्दी से मामा का स्वेटर रख लें, सॉक्स रख लें और शॉल, शॉल गैस बेटा। क्यों क्यों क्यों? नो नो नो, क्यों क्यों रख रहे हो? बंद नहीं करें इसको, अब हाथ नहीं लगाए। अब बाबा का बैग पैक करें, हम लोग जा रहे हो। ओके, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे, कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग अल्लाह मियां के पास जा रहे हैं। नहीं, अल्लाह मियां के पास जा रहे हो? नहीं ना बेटा, बेटा ये क्या कर रहे हो? बीबी को मैं संभालती हूँ, ठीक है? बीबी मेरे पास आ जाओ, हम लोग सब जा रहे हैं। अपट जाए, उसको हाथ नहीं लगाए, उसका ख्याल रखूंगा और सारे काम भी मैं खुद करूंगा। आप बैग पैक करें पापा का, वो लोग चले जाएंगे। ओके, वो लोग चले जाएंगे, दोनों हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अच्छा वो चले गए तो फिर क्यों सामान पैक कर रहे हो? हम साथ जाएंगे, वो नहीं गए, वो नीचे बैठे हुए, हम लोग जाएंगे नीचे। आप हट जाए, आप हट जाए, हम लोग जा रहे, तुम भी आ रहे हो। ओके, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं रोकेंगे, हम लोग जाएंगे। वो तुम कहाँ जा रहे हो? वो नहीं रुकेगा, वो नहीं।